अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तबरेज़ आलम खान और आप देख रहे हैं तहजीब टीवी। खबर गोंडा से है जहां पर 5,000 युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। बड़ी संख्या में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जी हां, विदेश भेजने में एजेंट द्वारा धोखाधड़ी करके 5,000 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपए की वसूली कर कतर भेज दिया गया। कतर में जिस कंपनी में भेजा गया उस कंपनी का नाम अरब बिल्डर यूसीसी है। गोंडा के 5,000 युवाओं की जिंदगी दांव पर लगी थी। दूसरा मुल्क, दूसरी जुबान, ऐसे में अपनी बात रखने में असमर्थ गोंडा वासियों के समर्थन में आगे आए अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान ने 5,000 गोंडा वासियों के लिए आवाज बुलंद की और सभी को अपने वतन हिंदुस्तान वापस लाने में अहम भूमिका निभाई। कतर से लौटे सैकड़ों युवाओं ने मैजापुर में विरोध प्रदर्शन कर पैसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, मामला है गोंडा जिले का, जहां पर 5,000 से ज्यादा युवा कतर रोजगार के सिलसिले में गए हुए थे। एक कंपनी है जिसका नाम है अरब बिल्डर यूसीसी। बताया जा रहा है कि यह कंपनी किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेती है और गोंडा के एजेंट ने किसी से 80,000 तो किसी से 75,000 तो किसी से 70,000 तो किसी से 65,000 रुपए लेकर कतर भेज दिया। वहां पहुंचने के बाद लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वह नहीं दी जा रही थी। ऐसे में एक युवक की मौत भी हो जाती है। उस युवक को ना ही मुआवजा दिया जाता है और ना ही किसी भी तरह का कोई मदद की जाती है, ना ही किसी का मेडिकल कार्ड बनाया जाता है। ऐसे में परेशान लोगों ने अपने एजेंट से बात करने की कोशिश की तो वह कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार करते नजर आए। ऐसे में अब्दुल रहमान खान ने लोगों के साथ खड़े होकर उनके हक के लिए अपनी आवाज बुलंद की और सभी गोंडा वासियों को अपने वतन लाने में अहम भूमिका निभाई। कतर से आए सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि एजेंट के द्वारा लिए गए पैसे अगर 20 नवंबर तक वापस नहीं किया गया तो अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या झूठ के सहारे करोड़ों रुपए ऐंठने वाले एजेंट पैसा वापस करेंगे या यूं ही अपने कारोबार को आगे बढ़ाते रहेंगे।